तो आइए दोस्तों अपने बिल्ड टू लास्ट बुक समरी को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा उसका पार्ट टू है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम पिछली वीडियो में इस पॉइंट पे थे, हमने इस पॉइंट पे एंड किया था कि प्रोग्रेस के लिए जो विजनरी कंपनीज होती हैं वो उनका जो गोल होता है हमेशा वो लॉन्ग टर्म होता है, और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होने के लिए करंट टाइम पर कंपनीज़ का करेजियस एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका एग्जाम्पल है बोइंग का भी गोल। बोइंग कंपनी के बारे में आपने सुना होगा जो कि एयरक्राफ्ट में डील करती है। बेसिकली बोइंग का जो गोल था वो भी काफ़ी करेजियस था, जिसमें 747 जेट को डेवलप करना था। उन्होंने बेसिकली जब ये डिसीजन लिया तो इसके बाद रिजल्ट की परवाह किए बिना उन्होंने बेसिकली काम किया, और सीईओ ने यहाँ तक सोच लिया था कि जेट बनाने में अगर पूरी कंपनी को भी जुटना पड़े ना तो वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा समय भी आया था जब कंपनी के 86,000 लोग यानी कि 60% जो वर्कर्स थे वो बेकार ऐसे बैठे रह गए थे, क्योंकि प्लेन की कोई सेल्स ही नहीं हुई, प्लेन की जो सेल्स थी वो बहुत ही कम हुई। ठीक दोस्तों, इसी तरह कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के फाउंडर थॉमस जे वॉटसन ने भी अपनी कंपनी का नाम ही नाम बदल देने का खतरा उठाया। बेसिकली उन्होंने अपनी कंपनी की रीब्रांडिंग करी, जबकि उन्हें पता था कि इससे उनको नुकसान हो सकता है। बेसिकली ये जो कंपनी थी वो कॉफ़ी ग्राइंडर बनाती थी। इनका बेसिकली गोल था अपने पूरे यूरोप में अपनी एक अलग पहचान बनाना, और आज हम इसे जानते हैं IBM के नाम से। IBM तो आपने बिल्कुल सुना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये है फुल फॉर्म बेसिकली IBM की। कभी कभी दोस्तों जो गोल होते हैं वो इतने लंबे समय तक चलते हैं ना कि लोगों की जान तक चली जाती है, लेकिन वो गोल्स पे काम करना रेगुलरली रहता है। लेकिन ये कंपनी इतनी एक्चुअल में समर्पित ही रहती है इन सब चीज़ों को लेकर कि जैसे नए CEO आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, चलते जाते हैं, लेकिन वो जो काम है वो कभी रुकता नहीं। जो गोल कंपनी ने सेट किया था आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, उसके लिए भी अभी तक काम चलता ही आ रहा है। ऐसा हम कई एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैनेडी के मरने के बाद भी स्पेस प्रोग्राम चलता रहा। तो इस पॉइंट से जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि ये एक विजनरी कंपनीज का जो सक्सेस का जो सीक्रेट कहते हैं ना जिसे हम, वो यही है कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं और उन पर निरंतर काम करते रहते हैं रेगुलरली बेस पर। हमारा जो अगला पॉइंट है वो यही है कि विजनरी कंपनीज से हमेशा जो इंस्पायरिंग लीडर्स हैं वो निकलते हैं। अक्सर दोस्तों स्टडी में ये बात सामने आती है कि विजनरी कंपनीज में काम करने वाले जो CEO होते हैं वो बेहद टैलेंटेड हो जाते हैं समय के साथ, और समय के साथ साथ वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। बेसिकली दोस्तों चार्ल्स डार्विन की ये खोज तो हम सभी को पता है कि सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज ही विकास कहलाती है। अगर बेसिकली आपको अपने आप को डेवलप करना है तो आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सपेरिमेंट करते रहने होंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और अगर आप बाहर दुनिया में हो तो भी, अगर आपको ग्रो करना है तो। दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का, ठीक है, ये स्टडी आप सुनना आपको मज़ा आएगा। बेसिकली ये कंपनी उस टाइम पर बैंडेज बनाने के लिए बहुत फेमस थी, आज भी है, उसमें फेवरेट भी थी। इसकी शुरुआत होने की कहानी ना बड़ी दिलचस्प है, ठीक है। हुआ क्या ना, एक एम्प्लॉय की पत्नी की उंगली किचन में काम करते समय जख्मी हो गई, कट गई, तो उसने तुरंत पट्टी लगाकर उस पर सर्जरी वाली टेप लगा दी। उसने यह जो आइडिया था वो जब कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बताया तो बैंडेज का निर्माण हुआ, और आगे चलकर कंपनी ने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बना लिया बैंडेज। तो देखा आपने कैसे ये जो इंसिडेंट था वो कंपनी के लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित रहा। इसी तरह जो विजनरी कंपनीज होती हैं वो छोटे छोटे फैक्टर, छोटे मोटे जो इंसिडेंट होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। और ठीक इसी तरह दोस्तों दो कंपनी थी, 3M और Norton। आपको पता है 3M Norton से आगे नहीं निकल पा रही थी, फिर जो है 3M कंपनी ने कुछ अपनी कंपनी में एक ऐसी पॉलिसी लाई, जैसे पॉलिसी कह लो या जो मतलब कह लो एक्सपेरिमेंट कह लो, वो उसकी वजह से जो 3M कंपनी थी वो Norton से आगे निकल गई। उन्होंने क्या किया, बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि आप ना दिन के 15 मिनट अपने पेट प्रोजेक्ट पर दे सकते हो, अपना कोई जो भी आपका यूनिक प्रोजेक्ट है आप उस पर काम कर सकते हो, और ये सर्विस जो Norton थी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं देती थी, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद पता क्या हुआ, एक एम्प्लॉय ने ऐसी काम करता गया वो, और इससे जनरेट हुआ पोस्टिट नोट्स का। पोस्टिट नोट उसकी सर्विस है 3M कंपनी की, जिसने उसको प्रॉफिटेबल बना दिया और Norton से आगे ले गया। तो दोस्तों आपने कैसे देखा कि रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट करते रहने से आपकी कंपनी में भी ग्रोथ आ सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा बिल्ड टू लास्ट का पार्ट टू, जिसमें हमने बेसिकली दो लेसन कवर किए। आप अगली बुक से मेरी किस टॉपिक पर चाहते हो, किस बुक पर चाहते हो, मुझे कमेंट बताओ।